हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं अमनदीप लांबा आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं रिसर्च प्रपोजल बनाने के बाद आपको क्या करना है वो डिस्कस करेंगे। और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लेगरिज्म के बारे में और ग्रामर चेक के बारे में। ग्रामर चेक की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आपके जो भी आप राइटिंग लिखते हैं, जो भी आपके रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं, उसमें कुछ ना कुछ कमियाँ ज़रूर होंगी। ठीक है, तो ग्रामर मिस्टेक एक बहुत ही स्मॉल लेवल पर कह सकते हैं कि एक छोटी गलती है, और ये इसको हम दूर कैसे करें, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल की कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, तो उनको फ्री करें। तो इसलिए हम एक सॉफ्टवेयर आपके साथ डिस्कस करेंगे जिसमें बताऊंगा कि कैसे कैसे आप करेंगे। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। सबसे पहले हम प्लेगरिज्म की बात करते हैं। तो प्लेगरिज्म होता क्या है, काफी ने तो ये वर्ड पहली बार सुना होगा। तो ये जो आपका प्लेगरिज्म होता है, एक तरीके से साहित्यिक चोरी होती है, थेफ्ट होता है, जो कि आपके आपसे संबंधित जो भी आर्टिकल्स हैं, जो भी आपके वर्क्स हैं, उससे आप उठा लेते हैं, तो वो एक तरीके से प्लेगरिज्म कहलाता है। राइट, मतलब कि आपका किसी दूसरे पर्सन का आइडिया आप चुरा कर और अपनी रिसर्च में स्पेसिफिक आप वहाँ पर एंक्लोज कर रहे हैं कि ये मेरा काम है, तो वो आपका प्लेगरिज्म कहलाता है। ये आपका मिलता है, मतलब कि आप किसी की इंफॉर्मेशन, किसी के आइडियाज़ को चोरी करके और खुद के काम में आप इंक्लूड करते हैं और सोर्स भी बताए बगैर, तो वो आपकी एक साहित्यिक चोरी होती है, प्लेगरिज्म होती है। इसका बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है, ये आपकी जो भी इंप्रेशन है, जो भी आपके पर्सन जिनके सामने आप बहुत अच्छे बन के जाएंगे, तो उनके आगे इससे बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत अफेक्ट होता है। राइट, तो इसको दूर कैसे करें वो हम बात डिस्कस करेंगे। और ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाले हैं, इनमें कोई पेमेंट आपको पे नहीं करनी। राइट, तो सबसे पहले तो जो प्लेगरिज्म चेक के लिए आपका सॉफ्टवेयर आता है, वो आपका आता है डुपली चेकर। आप नोट डाउन कर ले कहीं ना कहीं, और इनमें चेक करके आप अपना जो भी प्लेगरिज्म है उसको फ्री कर सकते हैं, कोई आपको पेमेंट पे नहीं करनी। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आप, यहाँ पर 1000 वर्ड्स तक आप वो लिमिट है पर सर्च की, तो 1000 वर्ड करके आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं जो भी आपका होता है। ये मेरी खुद की रिपोर्ट है ताकि आपको मैं बता सकूँ कि चेक होता है या नहीं होता है, ऑथेंटिसिटी कितनी है, वो यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। राइट, तो डुपली चेकर में यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। कॉपी पेस्ट करने के बाद जब हम यहाँ पर ग्रामर चेक या आपका यहाँ कर प्लेगरिज्म चेक करेंगे, तो प्लेगरिज्म चेक करने के बाद ये कुछ रिपोर्ट आ जाएगी आपके सामने, जिसमें मेरी ये बता रहा है कि 6% प्लेगरिज्म है और 94% आपका यूनिक सोर्स है। इसको आप बाद में मेक इट यूनिक भी कर सकते हैं, और इसमें जो भी आपके पीडीएफ ट्रांसफर भी कर सकते हैं, और कितने वर्ड हैं आपके, टोटल रिजल्ट कितने आए हैं। जैसे कि सिमिलरिटी इंडेक्स है मेरा, सिमिलरिटी इंडेक्स मतलब कि आपका इस रिपोर्ट से, इस सर्च से मैंने ये आपका जो जट्रोफा प्लांट है, जट्रोफा बायोडीजल है, उसको मैंने एक्सप्लेन करने की प्रयास किया। ये इतनी ही लाइन आपकी यहाँ पर मैंने कॉपी की हैं, या फिर वो सिमिलर मिल रही हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा रहता है प्लेगरिज्म का रोल। आपको ये भी बता देगा यहाँ पर ये सोर्सेज हैं, यहाँ से उठाया हुआ है, तो उससे जाकर आप उसको चेंज कर सकते हैं ताकि वो प्लेगरिज्म में ना आए। राइट, तो ये प्लेगरिज्म का फंडा रहा। उसके बाद आपकी रिपोर्ट भी आ जाती है कि आपका प्लेगरिज्म कितना है और आपकी कितना आपका यूनिक आईडी, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कैरेक्टर्स हैं वो कितने हैं, और किस तारीख को, आज के दिन ही मैंने ये चेक किया है, जिसमें कंटेंट चेक जो हुआ है वो आपका ये पूरा का पूरा चेक हुआ है, जिसमें आपका मैच्ड सोर्स की यहाँ पर सिमिलरिटी इंडेक्स 25% है, जिसमें ये आपका टाइटल दिया हुआ है, ये आपका सोर्स दिया हुआ है। इस पे HTTP मतलब कि आपका ऑनलाइन सोर्स भी मेंशन होगा, जिससे आप जाकर देख सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ पकड़ रहा है, स्कैन रिपोर्ट रहती है। राइट, इसके बाद आता है दूसरा आपका ग्रामर। ग्रामर चेक करने के लिए, ग्रामर के लिए आप क्या करें ताकि आपके जो ग्रामर मिस्टेक्स हैं उनको आप रिमूव कर सकें, ये आपके लिए एक नया सॉफ्टवेयर है जो कि आपका ग्रामर ली ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं। इसमें क्या करना है आपको, कंट्रोल वी यानी कि कॉपी पेस्ट करना है, टाइप कर दें या पेस्ट कर दें, जो भी आपका कंटेंट आपने लिया है उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, तो आपका यहाँ पर दिखा देगा कि आपकी करेक्टनेस कितनी है, क्लैरिटी कितनी है, एंगेजमेंट कितनी है, और जो भी आप लिख रहे हैं उससे आपकी डिलीवरी
कितनी मिल रही है, लोगों को कितना मिल रहा है। यहाँ पर आप कॉपी पेस्ट करेंगे, जब जब यहाँ पर आपका सभी चीज़ें सभी रिपोर्ट्स आ जाएंगी और कुछ ग्रामर मिस्टेक्स जो होंगे वो आपके यहाँ पर सोर्स दिखा देंगे, उसको आप चेंज कर लेंगे तो आपकी ग्रामर मिस्टेक्स यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगी। जो यहाँ 7 अलर्ट्स दिखा रहा है या आपके करेक्ट कर लेंगे तो आपकी कोई भी ग्रामर मिस्टेक यहाँ पर नहीं रहेगी, राइट। ओवरऑल स्कोर की भी आपका यहाँ पर मेंशन कर देगा और यहाँ पर क्लैरिटी कितनी है, आपका एंगेजमेंट कितनी है, डिलीवरी कितनी हो रही है और आपकी कुछ जो चीज़ें होती हैं, जो भी आपका ओवरऑल जो भी आपकी चीज़ें समझ नहीं आ रही लोगों को, तो वो चीज़ें आपकी यहाँ पर चेंज हो जाएंगी। आपका ये सॉफ्टवेयर भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ग्रामरली, तो इसको भी आप चेक कर लें, नोट डाउन कर लें। दो सॉफ्टवेयर आपको बताए हैं, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा और साहित्यिक चोरी से भी बच जाएंगे और अपना ग्रामर मिस्टेक भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इससे एक तरीके से बेस्ट आप आउटपुट दे सकते हैं ताकि जो भी जिसके पास भी ये लेकर जाएंगे उनको बहुत अच्छा लगेगा, राइट। तो ये जो आपका जो सोर्सेज हैं वो आपको अच्छे लगे होंगे और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो आप भी कर सकते हैं, कोई पेमेंट आपको पे नहीं करनी। और ये मेरा जो भी वीडियोस आपके साथ जनरेट कर रहा हूँ उनसे आपको बहुत बेनिफिट मिल रहा होगा, तो लाइक ज़रूर करें, सपोर्ट करें मेरे वर्क को और सब्सक्राइब करें। कॉमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट होते हैं तो पूछ सकते हैं, मैं उनका समाधान बिल्कुल प्रोवाइड कराऊँगा। और आपका यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।